पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। आइए सुनते हैं कुछ अनसुनी कहानी हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को इंटरनेशनल क्रिकेट में 40 बार, एक बार नहीं 40 बार गलत आउट दिया गया। इस बल्लेबाज ने कभी उठ तक नहीं की, चुपचाप सिर झुकाकर मैदान के बाहर चले गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34,357 रन बनाने वाला बल्लेबाज, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 100 शतक लगाने वाला बल्लेबाज। अगर सचिन अक्सर गलत एम्पायरिंग का शिकार नहीं हुए होते तो अपने नाम कई और कीर्तिमान दर्ज कर सकते थे। उनके शतकों की संख्या निश्चित तौर पर 120 से ज्यादा होती। 1999 में एडिलेड में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेला जा रहा था। गेंद सचिन तेंदुलकर के कंधे पर लगी थी। एम्पायर डेरेल हार्पर ने सचिन को LBW आउट दे दिया। सोच कर देखिए, अगर आज के दौर का कोई खिलाड़ी होता तो मैदान पर क्या नजारा दिख सकता था। सचिन ने इस अंधी एम्पायरिंग का भी विरोध तक नहीं किया, खामोशी के साथ सिर झुकाकर मैदान के बाहर चले गए। 1998 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच खेला जा रहा था। एम्पायरिंग की जिम्मेदारी माइकल क्रास प्रोविच निभा रहे थे। साफ दिखाई पड़ा था कि गेंद ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर टपक खाया, फिर भी एम्पायर ने सचिन को LBW आउट दे दिया। करोड़ों इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल इस एक डिसीजन से टूट गया था। अगर उस वक्त सचिन एम्पायर के खिलाफ कोई भी कदम उठाते तो उन्हें पूरे भारत का जन समर्थन मिलता, पर सचिन तो सचिन ठहरे, चुपचाप मैदान के बाहर चले गए। साइमन टाफिर और अलीम डार को क्रिकेट की दुनिया की सबसे विश्वसनीय अंपायर के तौर पर जानी जाती है, पर इन दोनों ने भी सचिन को गलत आउट दिया है। 28 फरवरी 2000 को गेंद सचिन तेंदुलकर के जर्सी में लगी थी। पाकिस्तानी विकेट कीपर ने अपील कर दी और साइमन टाफिर ने सचिन को विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया। सचिन को गलत आउट देने के कारण भारत वह मैच हार गया। स्टीव बकनर सचिन तेंदुलकर को गलत आउट देने के लिए कुख्यात थे। साल 2003 में जेसन ग्लेफसी की गेंद विकेट के काफी ऊपर से जा रही थी। बकनर ने सचिन को LBW आउट दे दिया। साल 2005 में कोलकाता के ईडन गार्डन में सचिन को विकेट के पीछे कॉट बिहाइंड गलत आउट देने के बाद बकनर ने कहा था कि मैं दर्शकों के शोर के वजह से आवाज नहीं सुन पाया। उसे मैच में भारत पाकिस्तान के खेल रहा था। 2007 में भारत इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा था। इस बार अलीम डार ने सचिन को विकेट के पीछे गलत कॉट बिहाइंड आउट दिया। बाद में अलीम डार ने सार्वजनिक तौर पर इसके लिए माफी भी मांगी थी। उसी इंग्लैंड सीरीज में जब सचिन 99 पर थे, अंपायर यान गुंड ने सचिन को विकेट के पीछे गलत कॉट बिहाइंड करार दे दिया। बगैर शतक पूरा किए सचिन तेंदुलकर चुपचाप पवेलियन की तरफ चल गए। इस खिलाड़ी की सहनशीलता देखिए, अंपायर का निर्णय आने के बाद भी सचिन ने शतक की भी परवाह नहीं की। वज्रपात न्यूज में मेंशन कर गलत आउट दिए जाने के बावजूद सचिन तेंदुलकर द्वारा मैदान छोड़ देने पर अपनी प्रतिक्रिया दी।